समझ रहे हैं कि शायद हमारे स्कूल 1.5 साल के बाद अब ओपन हो रहे हैं। कितनी देर तक ओपन रहेंगे हमें ये भी नहीं मालूम। सबसे पहले तो हम एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, उन्होंने बड़ी लेट ये डिसीजन लिया है जम्मू में, ख़ासतौर पर जम्मू कश्मीर यूटी में स्कूल ओपन करने के लिए। बाकी सभी स्टेट्स में स्कूल खुल गए हुए थे, सिर्फ हमारी स्टेट थी जो वेट कर रही थी कि कब हमारी गवर्नमेंट हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये आर्डर आता है। पर जब आर्डर भी आया तो हमें इतना कोई खास उसमें ना पेरेंट्स को खुशी हुई, क्योंकि उसमें कंडीशन लगाई हुई थी। वो जो कंडीशन थी उसके कारण पेरेंट्स आज भी बड़े परेशान हैं, क्योंकि उनका बच्चा अभी 18 ईयर्स का हुआ नहीं है, उसको वैक्सीनेशन हुई नहीं है, और विदाउट वैक्सीनेशन उन्होंने कहा बच्चे को 12th के अंदर क्लास में एंटर नहीं कराना है स्कूल में। 10th क्लास के लिए उन्होंने कंडीशन रखी थी कि रैपिड टेस्ट हो या RT-PCR टेस्ट हो, वो बच्चों ने करा लिया हुआ है। उसमें भी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि बहुत से बच्चों को पेमेंट की पेरेंट्स को प्रॉब्लम आती है, वो पेड टेस्ट है, गवर्नमेंट की तरफ से इतनी फैसिलिटी शायद अभी प्रोवाइड नहीं हो रही हैं, जिसके कारण पेरेंट्स सफ़र कर रहे हैं। तो हम अपील कर रहे हैं गवर्नमेंट से कि ये जो कंडीशनल उन्होंने इंस्टीट्यूशन खोले हैं, 50% तो बिल्कुल ठीक है कि 50% ही बच्चे एंटर करने चाहिए डेली, पर ये जो कंडीशंस हैं इनको अगर वो सिंप्लीफाई कर सकें तो हमें अच्छा लगेगा, पेरेंट्स भी इसको वेलकम करें। हम कितनी देर के बाद स्कूल आए हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा है। और ऑनलाइन से डाउट क्लियर हो जाते थे आपके? नहीं नहीं नहीं, डाउट्स बहुत रह जाते थे, क्योंकि टीचर्स को हर बच्चे का डाउट लेना आता था, कभी कभी क्लास खुद बंद हो जाती थी, नेटवर्क इशू बहुत आता था स्कूल की साइड से भी और हमारी साइड से भी, क्योंकि जिनके घर वाईफाई नहीं है उनको काफ़ी प्रॉब्लम होती थी, काफ़ी सफ़र करते थे वो बच्चे। तो बस अब स्कूल आए हैं, होप्स होगी ये बंद ना हो स्कूल अब।